सर, आज आप कृषि मंडी गए थे, वहाँ लोगों से कुछ बातचीत भी की है। यहाँ कार्यालय अतिरिक्त पुलिस भ्रष्टाचार ब्यूरो की तरफ से क्या निर्देश है, आपको क्या कहा गया है सरकार की ओर से? सरकार की जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत ही हमारे जो ऑफिसर हैं, डीआईजी साहब जो हरिंदर जी महावर हैं, उनके निर्देश हैं कि जन संवाद कार्यक्रम किया जाए, जिसके तहत आम जन को एसीबी के बारे में पता चले, एसीबी क्या कार्रवाई करती है, कैसे करती है, और जन संवाद के तहत ही हम उनको 1064 जो हमारे टोल फ्री नंबर है वो, और व्हाट्सएप नंबर हमने अवगत कराया, ताकि लोग इसके प्रति अवेयर हो। अगर किसी प्रकार से कोई जायज कार्य करते हुए किसी तरह से कोई परेशान करे, कोई रिश्वत मांगे सरकारी कर्मचारी, तो उसकी सूचना वो आराम से दे सके। सर, ये किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, बिना पैसों के तो काम होता ही नहीं है, और लोग शिकायत करने से डरते हैं, तो उनको क्या संदेश है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि डिपार्टमेंट में जाएं और बिना पैसों के काम नहीं होते हैं। हाँ, कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति जरूर मिलेंगे, ऐसे कर्मचारी जरूर मिलेंगे जो इस तरह की कार्रवाई करती है। इसी वजह से सरकार ने एसीबी डिपार्टमेंट खोल रखा है, और हमें समय समय पे एसीबी की कार्रवाइयाँ भी होती हैं उन लोगों के विरुद्ध। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, और 1064 पे हमने नंबर दे रखे हैं, जो डायरेक्ट वो कॉल करके हमें सूचित कर सकते हैं। तो सर, आपके ये बेसिक नंबर और व्हाट्सएप नंबर क्या है जो लोगों तक आप पहुंचाना चाह रहे हो? वो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, टोल फ्री नंबर है 1064, जिसकी पूरा रिकॉर्ड हमारे मुख्यालय में रहते हैं, और प्रत्येक चौकी में जहाँ जो संबंधित होता है वहाँ पे उसको कॉल किया जाता है, और संबंधित परिवादी से हम बात करते हैं, उनको सारी स्थिति से समझते हैं, और फिर नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी है 9413502834, ये नंबर है। इस पर व्हाट्सएप पे भी कोई सूचना भेजना चाहें, कोई फ़ोटो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो लैंडलाइन नंबर है 02982236346, मेरे खुद के पर्सनल नंबर भी हैं 8005736334, उस पर भी कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर जी।